कोलंबो श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर बम धमाके होते ही उसके बाद में देश के अंदर चर्चा आम हो गई है। खास तौर से जब श्रीलंका में बुरखे के ऊपर बैन लगा तो भारत के अंदर हिंदूवादी संगठनों ने ये आवाज बुलंद कर दी है कि भारत में भी बुरखे पर बैन होना चाहिए। हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट सबीना खान, जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनका क्या कहना है, सबीना क्या कहना चाहते हैं इस मामले के ऊपर, जो इस वक्त कोलंबो से लेकर भारत तक में ये बात पहुंच चुकी है और बुरखे के ऊपर बातचीत चल रही है और बुरखे के ऊपर बैन लगाने की आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं, आपकी क्या राय है इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम, सबीना खान हमारी आवाज़ फाउंडेशन की प्रेसिडेंट भी हूँ मैं और सामाजिक कार्य भी करती हूँ और जो राष्ट्र हित के लिए जो भी कदम उठाना होता है वो मैं ज़रूर उठाती हूँ। बुरके पे सवाल उठाया जा रहा है, मैं कहती हूँ बुरका ही क्यों? क्या जो नन ईसाई नन जो सूट पहनती हैं वो भी एक पूरी तरह से कवर होता है, वो भी एक बुरके का पहनावा होता है, तो क्या वो भी उनको भी आप आतंकवादी कहेंगे? और आप ये मुझे बताएं कि राजीव गांधी की हत्या करने वाले जो महिला थी, क्या उसने बुरका पहन रखा था? या पुलवामा हमले में जो हमारे जवानों को शहीद किया गया था, जिन आतंकवादियों ने शहीद किया था, क्या उन्होंने बुरका पहन रखा था? या आप अगर बुरके पर सिर्फ आपको आतंकवादी, बुरके में ही लोग आतंकवादी नज़र आते हैं, मैं कहती हूँ आतंकवादी जो हथियार इस्तेमाल करते हैं पूरे हथियार पर बैन लगाइए, आतंकवादी जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं पूरी इंडिया की उस गाड़ी पर बैन लगाइए, आतंकवादी RDX इस्तेमाल करते हैं पूरे RDX पे आप बैन लगाइए। क्यों इलाहाबाद में RDX बनाते हुए छात्र गिरफ्तार हुए हैं, आप पूरे RDX पे बैन लगाइए, सिर्फ बुरके पर ही क्यों? ये राजनीति मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है, सिर्फ एक समुदाय को क्यों परेशान किया जा रहा है? अगर जो मॉब लिंचिंग होती है क्या सब बुरका पहन के मॉब लिंचिंग करते हैं? तो ये राष्ट्र के हित में बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये चाहती हूँ जो भी बातें हों वो मुद्दे पर हों, ना कि एक राजनीतिकरण किया जाए, ना ही किसी समुदाय को परेशान किया जाए। ना फिलहाल जिस तरीके के हम देख रहे हैं देश के अंदर अराजक तत्व अपनी आवाज़ों को बुलंद करते चले जा रहे हैं, लेकिन उसी बुलंदी के पीछे एक तबके को, खासतौर से माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है। इस तरफ अगर आप हम ये सारे देश के लोग अगर देखें कि जिस तरीके से माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, क्या आने वाले वक्त के अंदर चुनावों में इसका ध्रुवीकरण करने की तैयारी कर रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियाँ? देखिए इससे समझ में तो यही आता है कि जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल है, जिस तरह से अभी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वोट बांटे जा रहे हैं कि हिंदू का वोट हिंदू को मिले एक पार्टी को और मुसलमानों का वोट बढ़ जाए इस तरीके से, तो इसलिए एक ही समुदाय के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए फ़ायदा हो इसलिए इस तरह के मुद्दे को हवा दी जा रही है। मुझे लगता है कि ये देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। जो भी काम किया जाए वो सिर्फ देश हित, राष्ट्र हित में होना चाहिए, ना कि इधर उधर का मुद्दा भटका के होना चाहिए। अगर बात करनी है या डिबेट करनी है किसी भी TV चैनल्स को, तो वो महंगाई पर करें, वो बेरोजगारी पर करें, ठीक है ना, वो महिला सुरक्षा पर करें। आए दिन महिलाओं का रेप हो रहा है, उस पर कभी TV डिबेट नहीं होती है। आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है सिवाय सोशल मीडिया के। तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे क्योंकि हम एक पब्लिक हैं। जितना भी नेता हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, बट पब्लिक में जाके पूछिए वो हिंदू और मुसलमान में कितना एका है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जानती है। तो पब्लिक सब जानती है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप जानती है कि हमें क्या करना है आगे और किस तरह से अपने देश की रक्षा करना है इन गलत नेताओं के। सभी ना देश के लोगों को चुनाव का माहौल चल रहा है, देश के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो फिरका वाराना फसाद देश के अंदर फैलते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या एक अपील है, क्योंकि देश में लाखों लोग आपको देखते हैं? देश के नौजवानों से, देश के सभी लोगों से, महिलाओं से, अपने भाई से, बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से ये अपील है मेरी कि आप जो TV चैनल्स मुद्दा गलत ये हिंदू मुसलमान वाले मुद्दे की बात करते हैं, आप वो TV चैनल देखना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपस में भाईचारा और एकता बनाकर रखें, क्योंकि हिंदुस्तान जैसे पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज हम सब मिलकर उसकी मिसाल हम अब भी कायम कर सकते हैं और इस हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया का मुल्क बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सबीना खान। तो इस वक्त जो हमारे साथ में सोशल एक्टिविस्ट सबीना खान हैं, अपनी NGO भी चलाती हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि देश के अंदर अराजक तत्व और अराजक तत्वों की आवाज़ को बुलंद करने वाले TV चैनल देखना बंद कर दें, जिससे कि देश के अंदर गंगा जमनी तहसीब कायम रहे। कैमरा पर्सन, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट